हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? कल दिवाली थी तो मैंने दिवाली मेकअप लुक शूट किया था, वो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया तब जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। मैंने दिवाली व्लॉग भी शूट किया था, बहुत छोटा सा मेरा ब्लॉग है। वैसे ना मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, स्वाति भामरा व्लॉग्स, अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो आप जाके जरूर सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको मेरे रेगुलर व्लॉग्स वगैरह दिखेंगे। बट ये जो स्पेशल व्लॉग्स होते हैं ना, जैसे दिवाली व्लॉग या फिर कुछ बर्थडे व्लॉग या फिर कुछ वैसा, तो वो मैं अपने मेन चैनल पे डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी रीच ज्यादा है एज कम्पेरेटिवली टू व्लॉग चैनल, तो यहीं पे डालती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपना दिवाली का व्लॉग जो छोटा सा ना वो यहीं पे डालती हूँ। साथ में ना दो प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करने हैं, तो जो मैं एक्चुअली अभी अप्लाई करने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ साथ में वीडियो भी बना लेती हूँ। तो चलो जी, पहले मैं आप लोगों के साथ वो दो प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी, साथ साथ में उसके बाद थोड़ी सी हम चिटचैट करेंगे। पता नहीं क्यों बात करने का थोड़ा सा मन कर रहा है। एंड एट द एंड मैं दिवाली की ना कुछ क्लिप्स जो मैंने इधर उधर जो शूट किए ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स बिगिन गाइज। अगर आपको फेस्टिव रेडी एकदम ग्लोइंग स्किन चाहिए ना, वो भी इंस्टेंटली, तो आज मैं एक मैजिकल प्रोडक्ट शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ना आप अपने स्किन केयर कर लो, मतलब फेस वॉश कर लो, टोनर लगा लो, मॉइस्चराइजर लगा लो, जो भी आप अपना लगाते हो। उसके बाद ना गाइज आपने सनस्क्रीन तो देखो जरूरी है प्रोडक्ट को यूज करना। एक्वालॉजिका की रेडियंस प्लस यहाँ पे मैं डूई सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी। वाटरमेलन इसके अंदर है, नायासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है, प्रोटेक्ट करेगा आपके स्किन को फ्रॉम यूवी रेज एंड ब्लू लाइट। एसपीएफ 50 के साथ आपको ये मिल जाएगी एंड पीए प्लस 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 प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, प्रिवेंट करेगी सन टैनिंग एंड आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग बनाएगी। हाइड्रेटिंग है बहुत ही ज्यादा ये वाली सनस्क्रीन, लाइट वेट है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, व्हाइट कास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसको लगाने के बाद ना पसीना नहीं आता, मतलब स्वेटिंग नहीं होती। ये इंप्रूव करेगा आपके स्किन के टेक्सचर को भी एंड फ्रेग्रेंस फ्री है एंड कलर फ्री है। थोड़ी सी सनस्क्रीन लेके मैंने इसको अच्छे से अपने फेस और नेक के ऊपर अप्लाई कर लिया। हर 6 आवर्स के बाद आपने इसको रीअप्लाई करना है। अब गाइस अप्लाई करूंगी मैं अपना मैजिकल प्रोडक्ट, ये है एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस जूसी डूई ड्रॉप्स। ये ना वन ऑफ अ काइंड स्किन केयर प्रोडक्ट है जो आपको इंस्टेंटली ग्लो प्रोवाइड करेगा आपके स्किन के ऊपर। आप चाहो तो आप इसको ना अपने फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो टू क्रिएट अ कस्टम इल्यूमिनेटिंग टिंटेड मॉइस्चराइजर, या कंसीलर में मिक्स कर लो जिससे आपको एकदम ल्यूमिनस हाइड्रेटेड अंडर आइज मिलेंगी, या फिर आप इसको ना अपने ब्लश में ऐड कर लो 3-4 ड्रॉप्स ही, जिससे एकदम आपको ना ग्लोई स्किन आपको मिलेगी, आपका एकदम ब्लश जो होगा ना एकदम हाइलाइटेड सा नजर आएगा। मैं क्या करती हूँ ना, मैं तो इसको अपने एकदम लास्ट स्टेप मैंने इसको रखा हुआ अपने स्किन केयर का, 3-4 ड्रॉप्स लेती हूँ मैं एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस डूई ड्रॉप्स का, इसको जस्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी। लुक एट माई स्किन, कितनी ग्लोइंग, कितनी ग्लॉसी, कितनी एकदम ग्लास लाइक फिनिश मिल जाएगी आपको इंस्टेंटली। टेक्स्चर की बात करूँ ना गाइस, तो नॉन स्टिकी है, लाइट वेट इसका टेक्सचर है, बहुत इजीली आपके स्किन के ऊपर ये अब्जॉर्ब हो जाता है एंड वर्क्स लाइक अ ड्रीम। कैन यू सी माय स्किन कितनी हाइड्रेटेड और कितनी ग्लोई नजर आ रही है। ये आपको इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करेगा, एकदम ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस फिनिश आपको मिलेगी, ग्लॉसी फिनिश आपको मिलेगी, हाइड्रेटेड एंड आपके स्किन के ऊपर एकदम एक नेचुरल वाला ग्लो नजर आएगा। उसके बाद ना गाइस जस्ट मैं अपना एक टिंटेड लिप बाम अप्लाई कर लूंगी एंड या दैट्स इट। गाइज एक्वालॉजिका इज अ वाटर बेस्ड हाइड्रेशन ब्रांड, इनके जो प्रोडक्ट है ना गाइज यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी से बनी है, हेल्प करेंगे मॉइस्चर को आपके स्किन के अंदर लॉक करने में, जिससे आपको इंटेंस बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन मिलेगा एंड रिफ्रेशिंग ग्लो मिलेगा। पीटा अप्रूव्ड है, वीगन है एंड क्रुएल्टी फ्री है। इनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल क्लीन है, इनके अंदर कोई भी नेस्टीज नहीं है, जैसे पैराबेंस नहीं है, फथेल्फेट्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है एंड कोई भी मिनरल ऑयल नहीं डाला हुआ। एंड गाइज इनका एक कमिटमेंट भी है, फ्रेश वाटर फॉर ऑल। एक्वालॉजिका ना सिर्फ हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, बल्कि कम्युनिटीज जहां पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत है वहां पे भी ये प्रोवाइड करेंगे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जब भी आप एक्वालॉजिका की वेबसाइट से कुछ भी बाय करोगे ना गाइज, तो आप हेल्प करोगे समवन इन नीड गेट एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब आप सोचोगे कैसे, तो गाइज एक्वालॉजिका ने कोलैबोरेट किया है WOTR, ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये पुअर विलेजर्स और पूरी इंडिया में जहां पे भी जरूरत है ना पानी की, ये वहां पे पानी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके से। माय गॉड, स्किन कितनी ग्लोई नजर आ रही है यार, मतलब हेल्दी ग्लो। वीडियो के स्टार्टिंग में आप देखो और अब आप देखो, मतलब मुझे खुद इतना पसंद आ रहा है। विंटर्स के अभी अभी ठंड आने वाली है, तो ठंड के टाइम पे ऐसा हेल्दी ग्लो तो बहुत अच्छा लगता है फेस के ऊपर। हल्का सा जस्ट आप अपना टिंटेड ग्लॉस लगा लो एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। अच्छा, ये चिपचिप नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये चिपचिप नहीं है बिल्कुल भी, नॉन ग्रीसी, एकदम नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है। अपने आप स्किन केयर कर लो, उसके बाद आप ये वाला मैजिकल प्रोडक्ट ट्राई करो।
हाईली 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 रिकमेंड करूंगी। एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस जूसी डूई ड्रॉप्स मुझे बहुत पसंद आए एंड आई जस्ट लव इट। दोनों प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स मैं आपको डाल दी हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्वाति 20 आप कोड जरूर यूज कर लेना, आपको 20% का ऑफ मिलेगा। मेरा वाला कोड सिर्फ aqualogica.in इनकी वेबसाइट पे चलेगा और आपका कहीं नहीं चलेगा। वैसे ये वाले प्रोडक्ट्स आपको aqualogica.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, Amazon पे, नायका पे एंड Flipkart पे भी आपको मिल जाएंगी। तो यही थी वीडियो, ठीक है, जो मेरे को आपको दो प्रोडक्ट्स दिखाने थे, है ना, अमेजिंग वाले प्रोडक्ट्स, सच बताना। वीडियो को स्टार्टिंग में जाके आप देखो, अब आप देखो मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आया। चलो अच्छा है, मुझे ऐसा कुछ प्रोडक्ट है ना, ये तो वैसे मेरे पास पहले भी मैंने आपको अपने वीडियोस में दिखाया हुआ है, बट मुझे इसका रिजल्ट जितनी जब भी यूज करती हूँ ना, आई फील सो गुड, मतलब मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, स्किन बड़ी हेल्दी सी नजर आती है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना दिवाली व्लॉग। उससे पहले एक दो बातें हैं, आप लोगों के एक दो क्वेश्चन है जो मुझे रिप्लाई करने हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे दी आपने करवा चौथ का व्रत रखा या नहीं रखा। हाँ जी, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था। व्लॉग क्यों नहीं शेयर किया, तो व्लॉग इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि सुबह जब मैंने सर्गी ली तो वहां तक का मैंने शूट कर लिया था, उसके बाद मैं सो गई। जब मैं सो के उठी तो मेरा हेडेक, भाई साहब मत पूछो, इतनी दर्द, इतना दर्द, माइग्रेन वाला पेन होने लगा था पूरा, इधर कान में भी, इधर 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 पूरा, एक ऐसा लगा था जैसे पूरी एक इधर वाली ना नस दर्द कर रही है, पता नहीं क्या यार, बहुत पेन होने लगा, वॉमिटिंग होने लगी मुझे। तो फिर फोन कहाँ है मेरा, क्या कहाँ है, मुझे कुछ सूझबूझ नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे घर वाले भी बेचारे, कोई मेरा सिर दबा रहा है, जैसे आरव के पापा मेरा सिर दबा रहे हैं, कभी आरव दबा रहा है, मतलब यू नो ऐसे सारा दिन इसी में निकल गया। हमारी प्लानिंग थी कि हम नए घर जाएंगे, हम मेरा आउटफिट रेडी था, मैंने अब टेलर से स्टिच करवा लिया था, रेड कलर की गाउन स्टिच करवाई थी, गाउन नहीं अनारकली मैंने स्टिच करवाया था, बट कुछ भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो सका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने अपना व्रत शाम को आराम से खोला एंड फिर उसके बाद फिर जैसे होता नहीं है 4:30 बजे के बाद जो पूजा करते हैं, कथा करते हैं, कथा करने के बाद मैंने थोड़ा सा कप चाय का लिया, वो ले सकते हैं हम लोग कथा करने के बाद, चाय का लिया, एक बिस्किट लिया, उसके साथ मैंने जस्ट अपनी मेडिसिन अंदर उढ़ेल ली। मुझे सिर्फ मेडिसिन खाने का था कि मेरे अंदर मेडिसिन चली जाए, तो मैंने सुबह से लेकर 4:30 बजे तक का वेट किया जस्ट कथा सुनने का, कि कथा सुन लो और चाय पियो एंड फिर उसके बाद मैं सो गई, फिर से सो गई 2-3 घंटे सो गई। शाम को जब चांद निकला रात को तब जाके उठी एंड फिर अपना बस मुंह हाथ धोया, ग्लॉस लगाया एंड बस यही लगाया, एक दो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स एंड बस। उसके बाद मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया, कोई मैं ड्रेसअप नहीं हुई, इसलिए मैंने फिर व्लॉग शूट ही नहीं किया फिर, ठीक है। फिर उसका पॉइंट ही क्या बनता कि मैं सारे व्लॉग में बोलती रहती हाय मेरा सिर दुख रहा है मेरा, फिर उसका क्या मजा आता, ठीक है। दिवाली व्लॉग का क्या था कि दिवाली में आपने देखा ही, सबसे पहले तो यार दिवाली में मैंने मेकअप लुक शूट किया था, वो अब आप लोगों ने देख ली वीडियो स्टार्टिंग मेकअप लुक, तो ठीक है चैनल के ऊपर है। उसका फिर गुरुद्वारे गए, वो उसकी छोटी सी क्लिप लिए मैंने, फिर घर आए, घर में जो पूजा की उसका मैंने क्लिप लिया, उसके बाद आरफ तो भैया एकदम छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे किसी को नहीं पहचानना, मुझे पटाखे चलाने, तो आरफ के पापा उसके पीछे क्योंकि अकेले बच्चे को नहीं छोड़ सकते, अभी छोटा है ना, आपको पता है दिवाली वाले दिन आरफ का बर्थडे भी था, तो हमने वो भी नहीं सेलिब्रेट किया अभी तक, क्योंकि दिवाली मनाते कि बर्थडे सेलिब्रेट करते, तो बर्थडे के लिए हमने हमने बोला कि हम अलग से तुमको लेके चलेंगे बाहर, वहां से घूम फिर के, और वैसे मुझे हेयर कट लेना है तो हेयर कट भी ले लूंगी, साथ में घूम फिर भी लेंगे, केक कटिंग भी कर लेंगे, तो अभी वो चीज पेंडिंग है, अभी तो जाएंगे एंड फिर क्या, फिर उसके बाद फिर पटाखे चलाता रहा 10 बजे तक, आरफ के पापा उसको डांट डूट के अंदर लेके आए, छत पे चला गया, छत पे साथ वाले बच्चों को बुला लिया कि आजो आजो आजो, बच्चे भी साथ वाले, कोई सोने को तैयार नहीं, सबकी छुट्टियां चल रही हैं, नए घर हमको जाना था, नए घर में इसलिए नहीं गए क्योंकि सब कुछ आपको पता नहीं यार, बच्चे के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, बच्चा जाने को तैयार ही नहीं है, उसको था नहीं मेरे फ्रेंड्स, अरे यार अभी यहाँ पे उसके फ्रेंड्स है ना, यहाँ पे वो पैदा हुआ है, 9 साल से यहाँ पे है, तो उसके यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ पटाखे चलाने, हम नए घर में चले जाएं, वहां पे आसपास इसको कोई मिले ना, कोई दिखे ना, सब तो कैसे चलाएगा, फिर वो चिड़ेगा, रोएगा, हमारे साथ गुस्सा करेगा, तो इससे बेटर था कि यहीं पे तुम अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर लो, नए घर में जब एक बार शिफ्ट हो जाएंगे तो हो ही जाएंगे फिर, ठीक है ना। इसलिए बाकी हम अगले दिन सुबह विश्वकर्मा डे होता है ना हमारे पंजाब, लुधियाना में, पंजाब में विश्वकर्मा डे दिवाली के नेक्स्ट डे मनाया जाता है, तो फिर हम लोग नए घर के लिए हम सुबह गए, बट मैं और आरव रेडी नहीं थे, आरव के पापा को तो वो हर साल वही करते विश्वकर्मा डे की पूजा, तो
फिर उन्होंने नहा धो के नए घर में नहाए धोए, उसकी भी छोटी छोटी क्लिप्स हैं रील के फॉर्म में, मैंने क्लिप शूट की थी वो डालूंगी ब्लॉग में। तो उन्होंने वहां पे पूजा कर दी, गाड़ी की पूजा की, मेरे स्टूडियो रूम की पूजा की, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ से हमको अर्निंग होती है या कुछ ना ऐसे लोहे वाली जो चीज होती है उनकी पूजा करते हैं ना, तो फिर उन्होंने सबकी पूजा की एंड बस फिर हम इधर आ गए, दैट्स इट। तो हमने दिवाली वाले दिन नए घर में पूजा नहीं की थी, हमने विश्वकर्मा डे वाले दिन पूजा की थी नए घर में। ठीक है, आपने एक बात सुनी होगी कि ये जवानी है दीवानी, वो सीरियल वो मूवी का डायलॉग है ना, दीपिका पादुकोण जो बोलती है रणबीर कपूर को कि बनी लाइफ में कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ है उसी का ही मजा ले, समथिंग कुछ ऐसा डायलॉग है, पता लग गया ना। तो एग्जैक्टली गाइज, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वहां भी मना ले दिवाली यहाँ भी दिवाली मना ले, अरे भाई ऐसे नहीं हो पाता, मैं तो पैनिक ही कर जाती हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आता, अरे मैं दिए लगाऊं कि मैं ब्लॉग शूट करूं, मैं रील बनाऊं कि मैं खाना बनाऊं कि मैं आरव को देखूं कि भाई मैं हस्बैंड को, मेरे को नहीं समझ में आता। आई गेट सो, मुझे होता है भैया शांति से रहने दो यार, दिवाली कितनी देर की होती है, 2 घंटे 1.5 की होती है, 2 घंटे की सारा टाइम तो प्रेपरेशन में निकल जाता, थोड़ा टाइम होता है वो रील रूल बनाने में निकल जाता है, बस हो गया और क्या, रात को 10 बज गए 10:30, खाना बनाया, कपड़े बदले, मुंह हाथ धोया, सो गए जाके, सोए भी नहीं बाद में, बस अपना फोन पे टी 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 घंटा लगे रहो और क्या, यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाते रहो। तो इसलिए हम लोग नए घर नहीं गए। ठीक है, आई थिंक यार दिस इज, ये था मुझे जो अपने मेरे पेट पे था, जो मुझे उगलना था आप लोगों के साथ। चलो जो भी मैंने थोड़ा बहुत क्लिप शूट किया वो मैं अभी इस वीडियो के एंड में इंक्लूड कर दूंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू। Hi guys, welcome back to my channel. Happy Diwali. Happy Diwali to all of you. बहुत लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं, अभी हम लोगों को गुरुद्वारे जाना है, मत्था टेकना है, 7:15 हो गए हैं, बाय। ये हो गई हमारी थाली तैयार, मैंने प्रसाद रख लिया और कैंडल्स दिए और घी वाला दिया रख लिया, फ्रूट रख लिया। चलो जी, चलो 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 चलो, आरव के कपड़े चेंज करने हैं। आरव, आरव, आज आरव ने अभी कुर्ता पजामा डाला, देखो लगनी है, थले गरम करनी पैनी है, कर दिया थी मोम। चल ठीक है, चल ठीक है, ओके, आराम नू कह दे वो कर देगा। Oh,
आगे है वो लाइट ऑफ करवट डियरो वाली नहीं रूम दी नहीं 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 दीवाली दीरा गुरुद्वारे गए गुरुद्वारे से आके अरदास की उसके बाद फिर प्रसाद खाया एंड फिर आरव को पकड़ पकड़ के रील्स बनवाई क्योंकि आरव वाज लाइक कि नहीं मुझे पटाखे चलाने दो पटाखे चलाने दो तो बस अब उसके पापा ले गए उसको पटाखे चलाने के लिए बाहर यहीं पे घर के बाहर और मैं अभी फटाफट से दिए लगाऊंगी घर हो रही तेरी
दिल के दर पे मेरे तू यही है कहीं कभी मेरे ख्वाब सा कभी उलझे जवाब सा के चंदा में भी दाग सा मेरे जैसा तू के दरिया का हो इसे लावा रहा था अंदर वो ऐसे नजर दे रहे हैं।